जैसा कि दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये है अंकल जी। पहले मात्र 4,000 रुपया पे जॉब करते थे 8 घंटा कपड़ा के दुकान में, और उसमें उनका खर्चा शायद नहीं चलता होगा। उसके वजह से अपना इडली और सांभर का बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और देख लीजिए ना ही कोई बैनर ना ही कोई पोस्टर, और कुछ बिका भी अभी तक ना। कितना देर हुआ आए हुए? हो गया है 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो अभी तक कितना प्लेट बेच दिया? अभी 1 प्लेट बेचे हैं। अभी 1 प्लेट बेचे। अभी ये क्या डालना है? सांभर। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, इडली डला चुका है, अब डला रहा है सांभर। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा मेहनत देखकर। अगर आप भी लोग मतलब इस रास्ता से गुजरते हैं, एक बार ज़रूर खा के ट्राई कीजिएगा। और अभी हम ट्राई करने वाले हैं इडली और सांभर अंकल जी का। और ये क्या डालना है? ये मिर्चा है, भुका हुआ मिर्चा पिसा हुआ। मात्र 20 रुपये में ये सारा चीज़ मिलता है ना। और ये चटनी इंक्लूड रहता है कि अलग से कोई लेता है? अलग से रहता है। चटनी हम घर में नहीं बना रहे, अभी यूज नहीं है, अभी रेडीमेड चटनी बन। अच्छा, तो वो वही 20 रुपये में दे रहे हैं कि चटनी का अलग से लेते हैं? यही। अच्छा, यही 20 रुपये में मतलब चटनी भी दे देते हैं ना। और ये हमारा मतलब तैयार हो गया, ये डाल दिए टूथपिक। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जैसे ही एनआईटी मोड़ से गुजर रहे थे, तो ये चल जाता है रोड पूरा एनआईटी घाट की ओर, और यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है, एक तरह से बोलिए तो नया स्टार्टअप हुआ है। और यहाँ अंकल जी बेचते हैं इडली और सांभर। जैसे ही हम गुजर रहे थे तो अंकल जी खड़े थे, और हम सोचे कि हम यहाँ का भी एक वीडियो बना दें। और अंकल जी का अभी हम इडली और सांभर ट्राई करने वाले हैं, और यहाँ क्या क्या कैसे कैसे बनता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों यही अंकल जी का छोटा सा सेटअप है, और यहाँ लिखा है इडली और इधर लिखा है सांभर। मात्र 20 रुपये में इडली और सांभर दे रहे हैं। और ये हो गया हाथ धोने के लिए पानी होनी, और यहाँ चटनी भी देते हैं ना। सांभर चला के दिखाइएगा। क्या क्या यूज करते हैं सांभर में? कद्दू है, मूंग का दाल है, सब। अच्छा, सब है। और ये कहाँ से सीखे बनाना? कारी पत्ता, ये सब घर से सीखे हैं। घर से सीखे हैं। और उधर क्या हो गया? इडली हो गया। थोड़ा इडली का व्यू दिखाइएगा। और सांभर बनाने में कितना टाइम लगता है? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट। और ये इडली बनाने में टाइम कितना लगता है? ये मशीन आता है, इडली मशीन आता है उसी। अच्छा, फॉर्मा रहता है। क्या क्या डालते हैं उसमें? इनमें चावल रहता है, सूजी रहता है, उड़द का दाल रहता है। अच्छा, और मसाला रहता। मसाला वसाला डालते हैं? मसाला में कौन सा मसाला यूज करते हैं? मसाला काला नमक और जामुनी चीनी डालते हैं। अच्छा। और ये आपका छोटा सा गैस हो गया? गैस हो गया, मतलब अभी अभी शुरुआत ही किया है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ना ही कोई बैनर ना ही कोई पोस्टर, और अंकल जी ये छोटा सा बिजनेस शुरू किए हैं। और आइए जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं, ये ठेला खुद से खरीदे हैं कि मतलब भाड़ा पे लिया? ठेला मेरा है। आप ही का है, तो खरीदे होंगे? हाँ। कितना में खरीदे? अच्छा, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से मैं ठेला खरीद लूँ? 8,000 रुपये का। और अपना मतलब ठेला खरीद के अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया? हाँ। और कैसे ख्याल आया मतलब इडली सांभर बेचने का? ख्याल आ गया, देखें इसीलिए छोटा मोटा का बिजनेस करें अपना। अच्छा। इसीलिए अब पैसा पूंजी है भी नहीं है, इस चीज में बढ़ाएंगे अपना। यानी पूंजी कम होने की वजह से मतलब इतना से स्टार्ट किया है ना? हाँ जी। धीरे धीरे पूंजी बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे। और एक और चीज़ पूछना चाहेंगे हम, पहले कहीं आप नौकरी वोकरी करते थे कि जॉब वॉब करते थे कि नहीं? जॉब करते थे, जॉब में उतना पैसा देता था नहीं। कौन सा जॉब करते थे? कपड़ा की दुकान में थे। कपड़ा का दुकान में? घर में रहते रहते सीख गए बनाना। अच्छा, और कितना रुपया मिलता था कपड़ा के दुकान में? 4,000 रुपया बस। 4,500? कितना घंटा मतलब काम करते? 8 घंटा ड्यूटी। 8 घंटा ड्यूटी, मात्र 4,000 रुपया देता? हथुआ मार्केट में करते थे। अच्छा, तो उससे अच्छा अपना मतलब है 4,000 से तो ज़्यादा कमा लीजिएगा अगर मतलब रात तक लगाइएगा ना। जी, अपना अपना बिजनेस भी खुद का हो गया, प्लस ये नौकरी से भी अच्छा हो गया, जॉब से भी अच्छा हो गया। और ये आपका छोटा सा सेटअप देख के काफ़ी अच्छा लगा। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ आ रहा है। आ रहा है। और कितना बजे शाम में आ जाते हैं? शाम में वही 2 बजे आते हैं दोपहर में, और 3 बजे से चलता है। अच्छा, शाम में वही 8 बजे तक रहते हैं। शाम में 8 बजे तक रहते हैं। और ये हो गया आपका पूरा मतलब बनाने का प्रोसेस।
और यही गैस गैस पे मतलब क्या करते हैं? यही गैस भरवाते हैं, 100 रुपये किलो गैस चल रहा है। वो नहीं कर रहे हैं मतलब गैस पे, यहाँ क्या बनाते हैं गैस पे? गैस पर वो यही सामान बनाते हैं। अच्छा, घर से बना के नहीं लाते हैं, यहीं बनाते हैं सामान? यहीं बनाते हैं सांभर, यही बनाते हैं मतलब इडली जो है घर से बना के लाते बनाते हैं। अच्छा, और ये आपका मतलब हो गया छोटा सा सेटअप। जैसा कि दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये है अंकल जी। पहले मात्र 4000 रुपया पे जॉब करते थे 8 घंटा कपड़ा के दुकान में, और उसमें उनका खर्चा शायद नहीं चलता होगा, उसके वजह से अपना इडली और सांभर का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और देख लीजिए, ना ही कोई बैनर, ना ही कोई पोस्टर, और कुछ बिका भी अभी तक ना। कितना देर हुआ आए हुए? हो गया है 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो अभी तक कितना प्लेट बेच दिया? अभी 1 प्लेट बेचे हैं। अभी 1 प्लेट बेचे, हमारे लिए भी लगाइए, हम भी खा के थोड़ा टेस्ट बताते हैं। ये क्या डाल रहे हैं? इडली डाल रहे हैं, इडली। जैसा कि दोस्तों गया ये इडली, कटिंग कर दीजिएगा ना। काफ़ी इडली सॉफ्ट लग रहा है ना। अब ये क्या डालना है? सांभर। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, इडली डला चुका है, अब डला रहा है सांभर। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा मेहनत देखकर। अगर आप भी लोग मतलब इस रास्ता से गुजरते हैं, एक बार ज़रूर खा के ट्राई कीजिएगा। और अभी हम ट्राई करने वाले हैं इडली और सांभर अंकल जी का। और ये क्या डालना है? ये मिर्चा है, भुका हुआ मिर्चा पिसा हुआ। मात्र 20 रुपये में ये सारा चीज़ मिलता है ना। और ये चटनी इंक्लूड रहता है कि अलग से कोई? ये अलग से रहता है। चटनी हम घर में नहीं बना रहे, अभी यूज नहीं है, अभी रेडीमेड चटनी बन। अच्छा, तो वो वही 20 रुपये में दे रहे हैं कि चटनी का अलग से लेते हैं? यही। अच्छा, यही 20 रुपये में मतलब चटनी भी दे देते हैं ना। जैसा कि दोस्तों अभी हम ट्राई किए इडली सांभर, इतना अच्छा टेस्ट था, हम आप लोग को कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक चीज़ अंकल जी से पूछना चाहेंगे, अपना कोई भी छोटा से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करने में उसमें कोई बुराई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है, कोई लोग क्या कहेगा उसके बारे में नहीं सोच? जी नहीं, शर्म नहीं है। अच्छा, जो भी नया हम कर लेते हैं, क्योंकि आप भी शुरू शुरू में खोलने में मतलब सोचते होंगे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन कोई खर्चा देने वाला है नहीं है, अपना खुद पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। और आदमी नौकरी के और जॉब के भरोसे बैठता है तो वही 8 घंटा खटेगा 5-6 हज़ार रुपये बस। तो इतना साफ ही बताइए, खर्चा चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपना ही बिजनेस सबसे अच्छा है। और एकदम छोटा सा ही शुरू किया तो क्या है, एक दिन ही आगे बढ़ेगा। इसमें टेस्ट में कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं था, और आप इसी को कंटिन्यू जारी रखिए और मेहनत करिए। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, अगर आप NIT मोड़ से NIT घाट की ओर जैसे ही जाते हैं तो बीच में ही मतलब रोड पर अंकल जी का मतलब ये आपको एक छोटा सा सेटअप दिख जाएगा। आप लोग यहाँ पर आइए और इडली सांभर खाइए। और हम अभी टेस्ट किए, ट्राई किए, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और अंकल समझिए तो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट ही किए हैं, धीरे धीरे अपना मतलब बिजनेस को बढ़ाएंगे आगे। और अंकल को सपोर्ट करिए, फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।